अच्छा, हमारे बीच में एडवोकेट नवाब सतपाल तंवर जी भी हैं जो हरियाणा के अंदर एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, और इन्होंने ऐसे ऐसे दिग्गजों को मात दी है कि जो अपने आप को एक गाने के माध्यम से टॉर्चर किया करते थे, वही सतपाल तंवर जी हमारे बीच में। नवाब साहब, आप लोग यहाँ गुड़गांव से चलकर यहाँ आए हैं, और आज यहाँ आने का क्या मकसद है आपका? दिल्ली देश की राजधानी है, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। और दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली हमारा घर है, गुड़गांव और दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। और आज जिस समाज के सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए हम लोग इंडिया गेट पहुँचे हैं, उस संविधान के सम्मान के लिए जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ देकर देने के बाद में जो है वो लिखा है, और पूरा जीवन संघर्ष बाबा साहब ने माइनर कम्युनिटी के लिए, बहुजन समाज के लिए और महिलाओं के लिए न्योछावर कर दिया। आज के दिन वो संविधान लागू हुआ था, और आज ही के दिन वास्तविक जो आज़ादी हुई थी वो आज ही के दिन हुई थी, क्योंकि 26 नवंबर को जब भारत देश ने ये संविधान स्वीकार किया तो जितनी भी मनुवादी ताकतें थी जो लोगों को अपना गुलाम बना के रखना चाहती थी उनको झुका दिया। और आज भी संविधान एक बड़ी ताकत बन के उभरा है सामने, और आज जो भी नागरिक है संविधान के दायरे में चलता है, संविधान के दायरे से बाहर निकलता है तो वो अपराधी साबित होगा। वही संविधान दिवस मनाने के लिए आज हम इंडिया गेट पर पहुंचे हैं, और बहुत ही खुशी का दिन है। लेकिन एक बड़ी बात और भी रहेगी इसके अंदर कि संविधान को आज तक भी पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया है। संविधान को जब तक लागू नहीं किया जाएगा तब तक इस देश में क्रांतियां होती रहेंगी। और आज बाबा साहब की जो कलम की ताकत है, जो संविधान की ताकत है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये तीन मूल मंत्र जो बाबा साहब ने दिए थे, आज पूरा समाज, पूरा देश इन मूल मंत्रों पर काम कर रहा है, इन मूल मंत्रों पर चल रहा है। और ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है और जो आरएसएस के भगवा आतंकवादी लोग हैं, ये संविधान को खत्म करने की साजिशें रच रहे हैं। बेशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब का नाम लेते हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन जो है ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, और हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम जंग भी लड़ेंगे। सर, अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ये इस तरीके के एक हाथ से बाबा साहब की बात करते हैं, दूसरे हाथ से उस सारे मैटर को पलट देते हैं। एक बार वो जब बाबा साहब ने आज के दिन शायद मुझे लगता कहा होगा कि आज मैं उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर रहा हूँ जिससे राजा पैदा होते थे, आज उस बैलेट पेपर से पैदा होंगे, क्या ये बात सत्य है और क्या है ये मतलब? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अब तक देश पर राज करती आई हैं और संविधान की पालना नहीं करती हैं, अब राजा जो है वो मतपेटी से पैदा हो रहा है, उस रानी के पेट का ऑपरेशन जो है बाबा साहब ने कर दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी निकलता है कि चुनाव के अंदर जो हालात होते हैं इस देश के अंदर, वो इतने गंदे हालात होते हैं, लोगों को शराब की लत ये लोग पहले लगाते हैं, उसके बाद में चुनावों में उनके माध्यम से शराब बंटवाई जाती है, और शिकार कौन होता है? दलित शिकार होते हैं। शिकार कौन होता है? गरीब शिकार होते हैं। आज वो हालात हैं इस देश के अंदर कि शराब पूरे तरह से हावी है, पैसा पूरे तरह से हावी है, नतीजन इस देश को जो है अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर निकाय चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में भी ईवीएम मशीनों में घोटाले सामने आए हैं और शराब की खुली आवाजाही है। जो पुलिस है वहां की, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सरकार का काम कर रही है, चुनाव आयोग जो काम कर रहा है सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, संविधान के तहत काम नहीं कर रहा है। गुजरात के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, अब गुजरात के अंदर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी का हर कैंडिडेट अपनी जमानत बचाने के लिए वोटों की भीख मांगता हुआ दिखाई देगा। ये हालात बीजेपी के गुजरात के अंदर होने वाले हैं।